ये वाला गाना थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि इसके अंदर मैंने बिना मेकअप के शूट किया है. डायरेक्टर से लाइक वी डोंट वांट यू टू डू एनी मेकअप, थोड़ा सा बेस लगाओ, लिप बाम लगाओ, काजल लगाओ, बिंदी लगाओ, दैट्स इट. और सादा जो भी एकदम सादा से सादा कपड़ा है वो पहन के आओ. सो आई एम प्लेइंग दिस वेरी सिंपल गुजराती गर्ल नेक्स्ट डोर लुक, जो बहुत ही डिफरेंट लुक है मेरा कंपेयर टू अदर सॉन्ग्स. सो बहुत ज़्यादा तारीफ आई है मेरे सादगी वाले लुक पर भी, एक्टिंग के हवाले से तारीफ आई. सो आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी विद माई कैरेक्टर. ये स्टेविन का गाना बहुत टाइम के बाद आ रहा है तो पब्लिक भी स्टेविन का गाने के लिए वेट कर रही थी, वो भी पूरी हो गई. और ये गाना है ना एक्चुअली गाँव बेस है पूरा, मतलब विलेज टाइप स्टोरी पूरा. तो साना का किरदार उसमें बहुत प्यारा ग्लैमर लुक के बाद आप देख पाओगे और मेरा लुक भी आप विलेजर लुक में देख पाओगे. वेरी इनोसेंट लुक ही इज फेड. और ये गाना का आप मेन पॉइंट देखोगे तो मोहब्बत कभी मरती नहीं, ये दोनों मर जाएंगे लेकिन मोहब्बत करके मरेंगे. मोहब्बत के लिए मरेंगे. सना जी आपसे जानना चाहूंगा, राधे जी इतने हम्बल है, ऑन सेट किस तरह का माहौल रहता था और मतलब पहला एल्बम है उनका, कैसे आप लोग जैम अप करते थे? सो एज आई सेड कि स्टार्ट में ये होता था कि जब पहली दफ़े मेरी राधे जी से जब मैं मुखातिब हुई, पहली दफ़े जब मेरी मुलाकात हुई, आई वाज लाइक हाय राधे जी, एंड इज लाइक ओके इज वेरी इंट्रोवर्ट. तो फिर मैं सामने से गई, उनको कंफर्टेबल फील करवाया. तो स्टार्ट में वो थोड़े इंट्रोवर्ट थे, फिर जो वो खुले बहुत आला एक्टिंग की. और इनका किरदार भी अगर आप देखें तो इनका कैरेक्टर बहुत इनोसेंट लड़के का है, तो वो बकायदा रियल में भी ऐसे जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, जिस तरीके से बात कर रहे, बहुत सादा इनोसेंट, तो ढल गए बकायदा उस कैरेक्टर में. सो बिहाइंड द सीन्स मुझे कोई मसले मिसाइल नहीं हुआ बिकॉज वी आर वेरी कोऑपरेटिव एंड कम्फर्टेबल विद ईच अदर. प्लीज़ बिहाइंड नो टॉक्स. या ऑल्सो राधे जी आपसे जानना चाहूँगा, कैसा क्या सीखा आपने सना जी से, अगर एक्टिंग की बात करें, एक्टिंग? मैंने साना जी से ये शूट चल रहा था तब साना जी का एक शूट में नो रिटेक, साना जी इतना मतलब हो जाती थी पूरा, मतलब जो भी करेक्ट होता उसमें. तो मैंने साना से बार बार पूछा, साना मैं ठीक हूँ ना, साना मैं अच्छा कर रहा हूँ ना, साना मेरा ठीक है ना, सब अच्छा है ना. तो वो साना से अच्छा सीखना बोला. और साना थोड़ा भी अच्छा नहीं आता था ना तो साना बोलती थी राधे जी ऐसा मत करो, राधे जी ऐसा नहीं अच्छा लगेगा. या एंड ही टुक दैट एज आई सेड कि कुछ एक्टर्स बहुत इगोइस्टिक होते हैं कि मैं क्यों करूँ दोबारा, बट ही वॉज वेरी लाइक सना जी सही नहीं लग रहा है क्योंकि एंड ही न्यू दिस कि खुद की एक्टिंग में खुद नहीं देख पा रहा हूँ. आप एज एन ऑडियंस देख रहे हो तो आपको ही कन्विंस नहीं लगा. मैं कहती राधे जी ये थोड़ा सा बेटर हो सकता था, ऐसे मुझे लग रहा है. और वो बाकायदा उन्होंने उस चीज़ पर काम भी किया और इस वजह से वो केमिस्ट्री भी इतनी अच्छी उठ के आई है. जबकि हम पहली दफ़े मिले, पहली बार मिलने के बाद ये केमिस्ट्री आना, इट केम आउट रियली वेल बिकॉज ही वॉज कोऑपरेटिव, ही वॉज कम्फर्टेबल एंड सो वॉज आई. और सना के बोलने के बाद मेरा भी एक भी रिटेक नहीं आ रहा था. यस यस यस, आफ्टर द फ्यू टेक्स ही वॉज प्रो, ही वॉज गुड एट इट, ही न्यू वॉट ही हैज टू डू. एंड इट इज हिज डेब्यू सॉन्ग, जिसका पहला सॉन्ग होता है आप खुद सोचो कि इतना आला दर्जे का एक्टिंग करना, बट ही डिड इट. और सॉन्ग की बात करें जहाँ पर आप लोगों ने शूट किया था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, या एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का? एक्चुअली ये शूट हमने समर में किया
तो उस टाइम शूट सब अच्छा रहा, सुबह से स्टार्ट किया था, लेकिन जो दोपहर का सीन था पूल पे, जो लास्ट में मरने के हमारे मोमेंट है, उसमें जो हमें 43 डिग्री में हमें लेटाया गया और 15-20 मिनट तक कंटिन्यू हम लेटे हुए थे, और ड्रोन का शूट था, तो ओ माय गॉड, पता नहीं क्यों हमें नहीं पता कैमरा की तरह ड्रोन की तरह टीम वहां पर खड़ी है, फिर ऐसा लेटे हुए डामर करो, मतलब इतना जलन, वो नंगे पाओ भी आप खड़े रहोगे, आप फर्ज करो 40 डिग्री नंगे पाओ, कहां पर हमने शूट किया था, अहमदाबाद में, तो क्या आपकी कैफियत होगी, मैं लिटरली डांस करती हूँ पैर से, मतलब वो शिट नंगे पाओ, ये बकायदा लिटाया गया सलवार कमीज मेरा पतला, इट वाज डायरेक्टली हिटिंग, मतलब कॉम्प्लेक्शन तो हम तीन टोन डार्क हो गए थे, बट वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है बहुत स्ट्रगल के साथ ये मतलब सीन किया और अच्छा आया, मतलब इतना मेहनत करने के बाद अच्छा नहीं आता ना तो तकलीफ होती, बट वो अच्छा आया, इनपुट अच्छा आया, सो आई एम हैप्पी, वो सीन आप देखोगे ना तो खुद आंसू निकल जाएगा कि दोनों मर जाएंगे, दोनों मोहब्बत के लिए कितना तड़प रहे हैं सॉन्ग में, वो है आई एम फीलिंग इमोशनल, प्लीज जाओ और जाकर देखिए, राइट, आल्सो स्टेविन मैन का गाना बहुत टाइम के बाद आया, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जब आपको पता चला कि स्टेविन मैन गाना गाने वाले हैं, तो क्या रिएक्शन था आप लोगों का? I was very happy. So see, I got a call from my manager. My manager से राधे जी ने contact किया था. I got a call from him, Preet, saying that सना ऐसा ऐसा song है, step in का song है. I said that's okay. I need to hear the audio. उन्होंने audio भेजा. 5 मिनट का audio था. 6 मिनट पे मेरा call फिर गया. मैंने कहा please राधे जी से connection करवाया. And राधे जी गाना कोई और नहीं कर रहा. ये गाना मैं ही कर रही हूँ. कब आना है, क्या आना है, मुझे shoot dates बता दो. And then we started shooting. मतलब सुनते ही एक सेकंड नहीं लगा मुझे डिसाइड करने के, अच्छा मैंने गाना करना या नहीं करना, सो इट्स ब्यूटीफुल, और तब रफ ड्राफ्ट था. आप सॉन्ग सुनोगे ना तो सॉन्ग में आपको हर एक मोमेंट पे, हर एक वर्डिंग पे आपको दिल में छूने वाली बात है, मतलब आपको इस 90s का गाना थोड़ा दिल छूने वाला होता है, एक्चुअली 90s वाला वाइब है इस गाने में, ऑडियो के हवाले से बोलो, वीडियो के हवाले से बोलो, ड्रेसेस के हवाले से बोलो, जो पूरा वाइब है ना, इट्स वेरी यू नो 90s वाला वाइब, इसमें गाने में खुद को ऐसे तसल्ली दे रहा है कि झूठा वादा कर डाला है मैंने अपने दिल से, फुर्सत पा के तुम आओगे जल्दी मुझसे मिलने, मतलब अभी हार नहीं मार रहा है, लेकिन लास्ट में मर जा रहा है तो भी मोहब्बत को पाके मर जा रहा है. राधे जी और सना, आप दोनों ऐसा कोई एक्टर है जो जिससे इंस्पायर होते हैं एज एन एक्टर? इंस्पायर तो मैं बहुत सारी एक्ट्रेसेस से होती हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस, जैसे आई लव प्रियंका चोपड़ा, जिस तरीके से वो बात करती है, जिस तरीके से उनकी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है, एक्टिंग में लाइक आलिया भट्ट, आई थिंक बीइंग एट सच अ यंग एज डूइंग सच डायनामिक कैरेक्टर्स, सो डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट रीजंस, एंड या दे ऑल इंस्पायर मी फॉर डूइंग बेटर इन लाइफ. मैं बोलना चाहूँगा तो हमारे एक्टिंग के जो मेन पार्ट है नटराज जी, उसको प्रणाम करूँगा पहले तो मैं, फिर हमारे ग्रेटेस्ट सलमान सर, अजय सर सीरियस लुक में, मेन ग्रेटेस्ट अमिताभ बच्चन सर, सबसे मैं इम्प्रेस होकर गाना रिलीज हो गया, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस जो आपको देखेंगे? बस यही हम चाहेंगे कि क्रिसमस भी आ रहा है, तो क्रिसमस के लिए आपके लिए नया गिफ्ट, और न्यू ईयर का भी आपका नया गिफ्ट, प्लीज आप सॉन्ग को बहुत प्यार दो, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत की है, और गाना क्वालिटी है, ऑडियो वीडियो दोनों माशाल्लाह बहुत आला है, अप टू द मार्क है, स्टेविन का बहुत वेट के बाद सॉन्ग आया, एंड इफ स्टेविन इज योर फेवरेट सिंगर देन तो यू हैव टू वॉच.